जो बीच बीच में मोटिवेट करता रहता हूं, है ना। क्या है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। निश्चित बात है, अगर आपने प्रण बना रखा है, दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि मुझे MPTET वर्ग 3 या जो भी आपका हो, चाहे SI हो, पुलिस हो, SSC हो, CGL हो, कुछ भी हो, MPPSC हो या अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे UPSC हो, कुछ भी हो, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य हमारे लिए बहुत अहम होता है। और अगर हम उस टारगेट को लेकर के अगर हम उसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखते हैं, निरंतर सतत रूप से प्रयासरत हैं, और आप जो है ये मान के चलते हैं अंदर से कि मैं जीत जाऊंगा, बिल्कुल मेरी जीत तय है, मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं और जीत और मंजिल मेरी बहुत करीब है, बहुत जल्दी मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए आप अपने लक्ष्य से, आप अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। बहुत जल्दी आपको वह सफलता आपको मिलने वाली है जिसकी चाहत आपने वर्षों से करते आए हैं। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो समझ लो चाहे वो लक्ष्य कितना ही आसान क्यों ना हो, वो आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि कहते हैं मन के जीते जीत और मन के हारे हार, वही चीज है कि जीत और हार आपकी बिल्कुल सोच पर डिपेंड करेगा। मान लो तो हार होगी और जो है ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने ठान रखा है कि मुझे वर्ग 3 निकालना है, जी मतलब निकालना है, मुझे SSC में निकालना है, मतलब निकालना है, जॉब इस साल पाना है, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति, ये जो हमारा अंदर का विल पावर है ना दोस्तों, ये डिपेंड करता है हमारे गोल पर, ये टारगेट पर डिपेंड करता है कि जो है हम हमारे लक्ष्य को लेकर के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव है या कितना ज्यादा पॉजिटिव है और कितना ज्यादा जो है क्रियाशील है। तो ये चीज जो है, आप लोग समय वक्त कम बचा है, आप अपने